हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इन्हें हम ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और ईडब्ल्यूजी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी कहते हैं। तो ये होते क्या हैं? सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स से। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का ही दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ईडीजी। इन्हें ईआरजी यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का मतलब हम समझते हैं कि इन्हें आप जिस भी कंपाउंड से अटैच करते हैं, जिस भी आप इसे सब्सटेंस से अटैच करेंगे, ये उसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे, राइट? तो ये अब इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट करेगा? जिसके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स है वही डोनेट करेगा। जिसके पास पैसे होते हैं वही डोनेशन कर सकता है, वही चैरिटी कर सकता है। सिमिलरली, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा। इसीलिए इसमें कौन कौन से आएंगे? जिसमें लोन पेयर हो, इसमें आएंगे वो कंपाउंड्स जिनके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। क्योंकि क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पाएगा और उससे एनर्जी भी बढ़ा पाएगा। एनर्जी बढ़ तो उससे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से दे हेल्प इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमें आप कुछ एग्जांपल्स देखने हैं इन ग्रुप्स के, तो सबसे पहले आपका आता है ओ नेगेटिव ग्रुप, फिर आता है आपका NH2 ग्रुप, फिर आता है आपका NHR ग्रुप, NR2 ग्रुप, साथ में फिर आपका आता है OH ग्रुप और OR ग्रुप, फिर आपका आता है NHCOR ग्रुप, फिर आता है आपका सिर्फ R। अच्छा, यहाँ पे R क्या है? R इज रिप्रेजेंटिंग एन अल्काइल। अल्काइल हमें पता है क्या होता है, एक एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दो तो आपके पास अल्काइल ग्रुप बचता है। तो अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे कौन से ग्रुप्स हैं? अल्काइल, फिर NHR, NR2, OR या ऑक्सीलाइल, ये आपका ओ नेगेटिव ग्रुप है, फिर NH2 अमाइन हाइड्रोक्साइड और NHCOR। वंस अगेन, यहाँ पे जहाँ आर लिखा है, आर इज रिप्रेजेंटिंग योर अल्काइल ग्रुप। अब अगर हम बात करते हैं आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स या फिर ये कौन से होते हैं, ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? वंस अगेन, इन्हें जिस भी आप अटैच करते हो, जिस भी कंपाउंड से या कंपाउंड के पार्ट से, ये उसमें से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं और इनमें क्या करने, अच्छा कौन से इलेक्ट्रॉन्स हटाते हैं? विड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है रिएक्शन में सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेंगे, उसके बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेना शुरू करेंगे। अब इससे क्या होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाएंगे, जिससे एक रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देते हैं। अगर इनके एग्जांपल्स चाहिए, सबसे पहले आता है आपका NR3 पॉजिटिव ग्रुप, फिर आता है आपका NO2 पॉजिटिव ग्रुप। वो कुछ ऐसे बनता है, NO2 पॉजिटिव ग्रुप, फिर बनता है आपका SOOH ग्रुप जो बनता है, सो समथिंग लाइक दिस। उसके बाद आपका बनता है C डबल बॉन्ड ओ एच, CHO एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये COH बन गया, साथ ही अगर हाइड्रोजन की जगह कोई भी अल्काइल लगा दो, आप R लगा दो, COR ग्रुप, तो भी आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ही रहता है, तो भी आपका EWG ही रहता है। अगर आप यहाँ पे लगा दो फॉर एग्जाम्पल COOH, वो भी डीएक्टिवेटिंग है। COOR, वंस अगेन मैं हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा रही हूँ, वो भी मेरे लिए एक डीएक्टिवेटिंग या
डीएक्टिवेटिंग रूपी रहेगा या फिर एक ईडब्ल्यूजी रहेगा। साथ में लगा सकती हो, अगर कार्बन पे मैंने अमाइन लगा दिया है, दैट इज योर सीएनएच टू, तो सीएनएच टू ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। अगर मैं एनएच थ्री पॉजिटिव ग्रुप लग लू, एनएच थ्री पॉजिटिव ग्रुप कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज एच एच एच, तो भी आपका एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बनेगा। सो वंस अगेन, अगर हम रिकैप्चुलेट करें, एक्टिवेटिंग ग्रुप व्हिच इज आल्सो योर ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इनके पास ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? ये एक तरीके से नेटवर्क रिएक्शन बढ़ा देते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाई इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं और एक तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देते हैं, राइट? कुछ एग्जाम्पल्स और एक्टिवेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के ये हैं और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, राइट? रिएक्शंस में स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उनमें टॉपिक बहुत यूजफुल रहता है। आई होप यू कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।